राजनीति विज्ञान व प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हिंदी में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपको BSTC एग्जाम के बारे में बहुत ही सरल शब्दों में समझाना चाहूँगी कि BSTC कौन सी क्लास का स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दे सकता है, इसकी एज लिमिट क्या हो सकती है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका पेपर कितने मार्क्स का होता है और मिनिमम कितने मार्क्स लाना ज़रूरी होता है। तो विद्यार्थियों आइए जानते हैं BSTC के बारे में। विद्यार्थियों, BSTC भारत में एक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक में पढ़ाने वाले इच्छुक लोगों के लिए बनाया गया है, यानी 1 to 5 एलिमेंट्री स्कूल के लिए बनाया गया है। ये एक डिप्लोमा कोर्स है। BSTC का फुल फॉर्म है बेसिक स्कूल टीचिंग कोर्स। विद्यार्थियों, ये राजस्थान में DLED के नाम से जाना जाता है, DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है BSTC। विद्यार्थियों, BSTC आपको एक शिक्षक बनाने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करता है। यदि आपको 1 से 5वीं तक कक्षा में पढ़ाना चाहते हैं तो बेसिक स्कूल टीचिंग कोर्स यानी BSTC करना आवश्यक है। ये 12th पास करने के बाद आप इस डिप्लोमा कोर्स को कर सकते हैं। आपको 12th में 50% या इससे अधिक मार्क लाना जरूरी होता है। इसकी आयु सीमा की अगर हम बात करें विद्यार्थियों, तो 18 से 28 वर्ष या 12th पास होना चाहिए। इसकी फीस जो है विद्यार्थियों 40 से 60 हज़ार के बीच में होती है। ये 2 वर्ष का होता है। अगर हम इसके पेपर के मार्क्स के बारे में बात करें तो 600 मार्क्स का पेपर होता है और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। विद्यार्थियों, यदि आप अधिक से अधिक मार्क्स लेकर आएंगे तो आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल सकता है, या यूँ कह लीजिए आपका पसंदीदा कॉलेज आपको मिल सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें व बेल आइकॉन भी दबाएँ। धन्यवाद।